hello dear vivekians once again Parama welcomes you all to evs class i believe my lovely children are staying safe and having good time with family and no doubt helping parents in their household chores also so let's continue our class today with chapter 2 houses first we see quick recap Yesterday, we studied about वी स्टडीड अबाउट द our ऑफ कीपिंग and सराउंडिंग्स क्लीन एंड द वेज टू कीप as well. वेल नाउ topic टॉपिक इज डेकोरेटिंग house. द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द टॉपिक इज टू लर्न अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ डेकोरेटिंग हाउसेस बच्चों अब तक हमने ये जाना कि घर की साफ सफाई और आसपास का वातावरण हमारे हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे और कौन कौन सी चीज़ों से हम अपने घरों को सजा सकते हैं डियर चिल्ड्रेन लेट्स हैव लुक ऑन दिस पिक्चर एज यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ़ एम टी रूम नाउ हाउ कैन यू डेकोरेट दिस रूम थिंक ऑफ इट और राइट अकॉर्डिंग टू दिस रूम वी कैन यूज सोफा सेट वॉल फोटोज एंड कर्टन्स एक्सेट्रा Now, see the new look of this room. This room is completely decorated and furnished. So, children, there are different ways to decorate a house. Let's read the section Decorating a House. So, put date on page number 22. We all like to decorate our house. Some people in the villages decorate the walls of their mud houses with rice paste or vegetable dyes. वाइल सम मेक रंगोलीज एट द एंट्रेंस बच्चों हम सभी अपने घर को सजाना पसंद करते हैं गांव के कुछ लोग अपने मिट्टी के घरों की दीवारों को चावल के पेस्ट या नेचुरल कलर्स से सजाते हैं जबकि कुछ अपने घरों के प्रवेश द्वार पर रंगोली भी बनाते हैं people in cities decorate their houses using various objects such as wall hangings lamps paintings aquariums decorative plants rangolis etc शहरों में लोग विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके अपने घरों को सजाते हैं जैसे कि दीवार पर लटकने वाले लैंप पेंटिंग्स एक्वेरियम बच्चों एक्वेरियम यानी पानी से भरा शीशे का कंटेनर जिसमें मछली और अन्य वाटर एनिमल्स को रखा जाता है और आर्टिफिशियल प्लांट से भी डेकोरेट करते हैं हाउसेस आर आल्सो डेकोरेटेड ऑन स्पेशल लोकेशंस सच एज वेडिंग्स फेस्टिवल्स बर्थडेज एंड पूजा फ्लावर्स लीव्स कलर्स earthen lamps एंड pots स्ट्रीमर्स etc are used टू डेकोरेट द हाउसेस ऑन these occasions <coughs> बच्चों आपने देखा होगा जब आप किसी बर्थडे पार्टी या मैरिज में जाते हो उस प्लेस को कैसे डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम से सजाया जाता है जैसे बर्थडे पार्टी पर हम कलरफुल बेलून्स और पंटिंग्स यूज़ करते हैं और दिवाली जैसे फेस्टिवल पर मिट्टी के दिए झूमर कलरफुल लाइट्स और फूलों से सजाते हैं जिससे हमारा घर दिखने में बहुत सुंदर लगे ठीक इसी तरह लोग जो गांव और शहरों में रहते हैं वे अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने घरों को सुंदर से सजाते हैं चिल्ड्रन नाउ कम टू पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डेकोरेट देयर हाउसेस इन डिफरेंट Ways. So we start with the first picture Alpana done with rice paste in Bengal. It is a form of frangoli that is practiced in Bengal. Traditionally, it is drawn by the women of the house before sunset. It is also a folk art in Bengal. Second, Kolam in front of a house in Tamil Nadu. इन द सेम वे कोलम इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ड्राॅइंग दैट इज़ ड्रॉन बाई यूजिंग राइस पाउडर और चॉक पाउडर एंड कलर्स आर एडेड ड्यूरिंग ओकेशंस एंड स्पेशल इवेंट्स बच्चों तमिलनाडु में लोगों का मानना है कि रंगोली बनाने से उनके घर आने वाले मेहमान अपने साथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस और खुशियाँ भी लाते हैं थर्ड वन ट्राइबल वॉल पेंटिंग इन उड़ीसा Odisha has a rich tribal culture. The tribal paintings, are, you can say Sora paintings, are intimately related to religious beliefs. These are drawn during special cultural occasions. See the fourth one Puppet Wall Hangings in Rajasthan. Puppet ko Hindi meham katputli these puppets come in a pair of male and female it is a traditional item made up of fabric wood and artificial pearls fifth one toran in gujarat toran is also known as bandanwal torans are used to decorate the main entrance of the home they can be made up of fabrics with decorative items like mirror beads etc एंड द लास्ट वन मधुबनी पेंटिंग इन बिहार मधुबनी पेंटिंग इज़ अ फोक पेंटिंग ऑफ नॉर्थन इंडिया गाँव की महिलाएँ जिन्होंने अपनी बेटियों को पीढ़ियों से ये कला दी है दे पेंट पिक्चर्स ऑफ नेचर एंड इवेंट्स ऑफ चाइल्ड बर्थ मैरिजिज एंड फेस्टिवल्स लाइक होली दुर्गा पूजा दिस पेंटिंग इज डन विथ अ वेराइटी ऑफ टूल्स nip pens and using fingers and natural dyes so students we see how the people in different parts of india decorate their houses in a different ways now the last section of this topic did you know section people who plan and design houses are called architects Similarly, those who specialise in decorating the house and making it beautiful are called interior designers. ek interior designer ghar, ya kisi bhi building ki indoor space ko Neme So, kids, at the end we came to know about the traditional and modern ways of decorating houses. Do read this chapter 3 to 4 times to improve your vocabulary and reading skill. Now, the home assignment. Let's try 5 and my turn 4. In Let's Try 5, you have to decorate this house with given items from the book and color it according to your choice. Paramam has special colorful stars for you. Let's see who decorates this house beautifully. And in my turn 4, with the given instructions, you have to make toran. You will use the materials which are available at home. No need to go outside. Dear children, here I take a break and meet you in the next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.